श्रीलंका के बाद अब इराक में भी स्थिति अराजक हो गई है। सियासी गतिरोध ना टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सद्र के समर्थक सड़क पर उतर आए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। सद्र के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल बंद होने तक भूख हड़ताल की घोषणा की है। आपको बता दें कि इराक की सरकार में गतिरोध तब से आया है जब धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने अक्टूबर के संसदीय चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी, लेकिन वह बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले भी अल सद्र के समर्थकों ने जुलाई में सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में प्रदर्शन किया और 4 सप्ताह से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। उनके गुट ने संसद से इस्तीफा भी दे दिया है। At least 10 Iraqis were killed in the immediate aftermath as gun...